हेलो, मैं नुजहत परवीन, एमएम टाइम न्यूज में आज सबका स्वागत है। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। जैसा कि आपने देखा और सुना, कुछ दिन पहले मुंबई के डोंगरी इलाके में एक 7 साल की बच्ची के साथ कुछ दरिंदों ने शर्मसार करने वाली हरकत की। आइए हम बात करते हैं उस 7 साल की बच्ची के माँ बाप से। वालेकुम, मैं इमरान सैयद, एमएम टाइम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आई है डोंगरी के उस लड़की के घर पर जिसकी कुछ दिनों पहले हत्या हुई थी। आइए जानते हैं आगे की बात, उनकी अम्मी की ज़बानी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, मैं नाजमिन, मेरी बेटी का नाम है नाइमा, 7 साल की थी और वो बाहर गई थी। बाहर जाने के बाद जो भटियारे हैं बाहर, वो भटियारे में से दो बिरयानी पुलाव के, वेस्ट पुलाव था, इतने इतने छोटे छोटे दो पाउच लेके आई थी। मैंने उससे सवाल जवाब करे तो उसने मुझे बोली, अम्मी वो दे रहे थे, मैं लेके आ गई, अभी मुझे नहीं मालूम उसके आगे। मैं ले सबको दिए, वो मुझे भी दे दिए, तो मैंने ले लिए। तो मैंने उन्हें जानते बच्चा है, लॉकडाउन का टाइम है, तो वो लेके आ गए, कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ना मैं बाहर जा चुकी थी, मैं समझी रोज की जैसा जैसे रोज खेलने जाती है वैसे आज भी खेलने गई है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो इतने से छोटे पर से इतनी बड़ी हो गई, कभी ऐसा शिकायत का मौका नहीं आया, तो आज कैसे हो गया। तो मैंने उस पर इतना इंटरेस्ट नहीं दिया, मैं समझी यार 15 मिनट में 10 मिनट में आती रहती है मेरी बेटी, तो अभी भी आ जाएगी, मेरा इतना दिमाग चला था। तो अम्मी ने खाना वाना गर्म कराया, खाना वाना दिए, प्लेट में सबको निकाल के देने लगे। अम्मी अचानक बोलने लगी, नाजमिन नाइमा नहीं दिख रही है, किधर गई? बोले हम चिकन खा गई, क्या पता। मैं बिगर ओनली महफिल में गई, मैंने उसको 200-400 दफे आवाज लगाई, नाइमा नाइमा, क्योंकि मुझे आवाज से जवाब नहीं मिला उसका। मैं वापस घर में आई, अम्मी बोले क्या हुआ किधर है? बोली पता नहीं अम्मी, जवाब नहीं आया। मैं सीधा बुरका ओढ़ी, सीधा बाहर निकली, मेरी तीसरा नंबर बहन है, उसने लेके मेरी बहन के मंगेतर को फोन मार दी कि मौसिन भाई नाइमा नहीं मिली, जरा देख के भेजो। वो अब्दुल रहमान साहब पापा की दरगाह के उधर देखने गए, मैं यहाँ से गली से निकली, वो मुझे बाहर मिले रेमानिया टावर के उधर। मैंने बोली क्या हुआ मौसी, मिली नाइमा? उन्होंने मुझे बोले नहीं बाजी नाइमा मिली, वो उल्टा मुझे ही पूछ रहे थे कि नाइमा मिली, मैंने बोली नहीं मिली। फिर मैंने गाची जमात खाने में ऑन हाउस लगवाया, वहाँ पे 104 बार आवाज़ लगवाई कि जहाँ का भी हो ये गाची जमात खाने में ला के देखो। अच्छा, वहाँ जवाब नहीं आया, वो बोलने लगे कि आपा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे आदमी को मेरे साथ बाइक पे इधर भेजो डोंगरी चौकी पे। ये मेरे आदमी को लेके डोंगरी चौकी पे गए, मैं उनके आधे घंटे बाद गई तो पुलिस से ये लोग लेके आ रहे थे मेरे आदमी। वहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने अल्लाह मचल करा तो पुलिस वाले सही 12 बजे के टाइम पे इधर आए, तो ये सामने जो गली के बाहर निकलता ना, वो सामने टावर है, उस टावर में चेक करा तो उसमें नाइमा बाहर निकलती भी दिखी, सामने की तरफ से जिसने आवाज लगाई थी उसको शटर के अंदर ले लिया, उसके बाद नहीं मालूम। मतलब सीसीटीवी का टीवी का फुटेज था जिसमें आपको आपकी बच्ची निकलती भी दिखी थी, ऐसा लगा कि मेरी बेटी को, मेरा दिल और एक माम था और एक माँ के फर्ज से मैं बोलती कि मेरी बेटी को किसी ने आवाज लगाया तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसका वही जायज से वही भटियारे थे। और उस भटियारे में मैंने कुछ दिन पहले 15 महीने भर पहले देखी थी, तो 20-25 जन रहते थे। उसके बाद में जैसे बाजार वजार आना जाना लगा रहता था, होते होते कम होने लगे। कम होने के बाद फिर मैं देखने लगी उधर खाना वाना बनाते थे वो, मतलब अपने एरिए में पास नहीं होता था, वो अलग अलग जगह पे पास होता था, क्योंकि कुर्ला मानपुर गोवंडी ये छोटे मोटे एरिया में जिधर फुटपाथ पे वो रहते झोपड़पट्टी में रहते उन लोग के लिए था वो, ऐसे जैसे ज्यादा खाना वाना बनता था तो इस्तीफाक में बच्चे लोग को देते थे। उसमें कोई लॉकडाउन का टाइम था, इसमें कोई भी लेके जाता था, कोई भी आता था, इसमें थोड़ी इतना कोई ध्यान देगा। और इतना मुझे मालूम है वो धरंधर लोगों ने मेरी बेटी के साथ गलत किया। पहले नंबर उन्होंने किडनेप किया, किडनेप करने के बाद उन लोगों ने रेप किया, रेप करने के बाद उसका मर्डर इतने बेरहमी से किया जो मुझे उसको आगरे दीदार भी नसीब नहीं। एक मुसलमान का बच्चा काफर में गिनती किया, उन्होंने गुस्सा नसीब नहीं उसको, मुझे जहाँ तक भी उसको मुझे कोई सजा नहीं चाहिए, उसकी कोई माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे जहाँ तक उसकी फांसी चाहिए। जैसे मेरा बच्चा तड़प के बेरहमी से मरा, ऐसे मैं भी ये चाहती हूँ कि वो भी तड़प के बेरहमी से मेरे आँख के सामने मरना चाहिए। पुलिस का इतना बेरहमी से पुलिस ने ऐसा क्यों किया कि उस पुलिस ने 6 जन को उठाया, 6 जन के बाद उठाने के बाद फिर 5-4 जन को, वही 5 जन को छोड़ दिया, 1 जन को अरेस्ट क्यों किया? पुलिस की क्या साजिश है इसमें मुझे नहीं मालूम। पुलिस ने मुझे 15-20 दिन से बहुत वो करा, मिल जाएगी, इतना मुझे पुलिस पे एहसान है, पुलिस का मेरे पे इतनी मेहरबानी, इतना शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मेरा बच्चा ढूंढ के दिया मगर मरेगा। तो कितने लोग थे टोटल वो जिसमें ये साजिश में जो थे वो कितने लोग थे? उन लोगों में 6 लोग थे, 6 लोग में से 5 जन को छोड़ दिया, 1 जन को अरेस्ट किया, वो 5, मेरा ये मतलब है जल्द से जल्द इसी वक्त इसी टाइम पे वो 5 जन को भी अरेस्ट करना चाहिए, और जो 1 जन से को अरेस्ट करे ना उसको कबूल भाव, और उसको कबूल भावे वो 5 जन किधर है, किधर नहीं गए, किधर रहते वो, उन लोग जल्द से जल्द इसी टाइम पे मेरी वीडियो देख रहे होंगे पुलिस वाले, ऐसा तो नहीं मालूम पड़ा। अभी मेरा ये मतलब है ये कहना मेरा कि अभी तुम बाइक पकड़ के वहां से
था और ये जो पटियाला है उसमें सील अभी इसी वक्त मानता था, मैं तोड़ फाड़ के एक कर दूंगी उसको, तुमने सील नहीं लगाई क्योंकि मेरा बच्चा बेरहमी से मारा गया और जो 5 जन है उनको भी अभी इसी वक्त ढूंढ पुकार के उसको अरेस्ट करो, जहाँ तक भी इससे पहले मैं कुछ और कर बैठू क्योंकि एक मैं माँ हूँ, उसका दर्द मुझसे नहीं सहन हो रहा क्योंकि मेरी पहला बच्चा था। तो जिन लोगों थे उन लोगों के नाम आपको पता है? मैं उन लोग को नहीं जानती थी, उनके फेस भी मैं नहीं जानती थी, वो कैसे काले के गोरे के मोटे के पतले मैं उन्हें नहीं मान जानती, मैं इतना भी नहीं जानती उनकी रेंज क्या। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी बच्ची की हत्या हो गई है और लोगों ने की है? नहीं, मैं गई थी ना पुलिस सनीचर की, शाम को मेरा भाई आया था बाहर से, मैं बैठे ली थी घर में, तो वो मुझे बोला था इतनी फुर्सत से बैठे ली है, दिमाग काम नहीं कर रहा, जरा चौक में जाके थोड़ा सा बोल के था, तू माँ है तेरा कोई कुछ नहीं करेगा, तो मैं उसका सुन के मैं एकदम गुस्से में एकदम गई, तो पुलिस वालों को बोल के आई कि सर तुम इधर ही घर ही घर की इंक्वारी ले रहे हो, माँ की बाप की भाई की बहन की नाना मामू खाला की सबकी, ये कौन ऐसा करेगा, कोई ऐसा नहीं करेगा क्योंकि मेरे घर में मेरा बच्चा पला बड़ा सब कुछ उसका उधर ही हुआ, तो कौन अपनी औलाद को छुपा के रखेगा, एक मरतबा तुम भटिया रहे। मेरा दिल अंदर से एकदम ऐसा एहसास हो रहा था, मुझे खुद ही कुदरती ऐसी महसूस हो रहा था कि मेरा बच्चा जहाँ तक भी तो इसी एरिया में और इसी भटिया रहे खाने से, क्योंकि मुझे पूरा डाउट इसलिए हुआ था क्योंकि वो बिरयानी लेके आई थी। तो पुलिस ने मामला कितने लोगों पे दर्ज किया अभी तक? एक पे। आप लोगों ने FIR कितने लोगों पे कराई थी? FIR के बारे में तो लेकिन मालूम नहीं, लेकिन जिस जगह ये वारदात हुई थी वहाँ पर ऑलरेडी हमेशा 10 से 12 जन मौजूद रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं सोते थे। तो जो अभी पुलिस हिरासत में है उस आरोपी का नाम क्या है? नहीं पता है। आपको पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया? कुछ भी नहीं बताई। मामला दर्ज करने के बाद आपको एक FIR कॉपी दी जाती है, आपको दिए? हाँ, जो फर्स्ट डे था, जो पहले दिन मिसिंग कंप्लेंट जो ली थी उन्होंने, वही है खाली अभी तक। नहीं तो पुलिस ने जो FIR किया है, मामला क्या दर्ज किया है आपको कुछ पता है? नहीं, अभी तो लोग ने कुछ भी नहीं किया है, जो पहले जो फर्स्ट डे जो वो बच्ची घूमी थी, जब हम लोग कंप्लेंट लिखाने गए थे तो वही टाइम की मिसिंग कंप्लेंट है अभी तक, और उसके बाद उन लोगों ने कोई कंप्लेंट क्या कलम चलाई उस पर क्या नहीं चलाई ऐसा कुछ अभी तक उन्होंने नहीं बताया। तो मतलब 5 जनों में से अभी तक सिर्फ एक ही को पुलिस ने हिरासत में लिया? हिरासत में, हालांकि उन्होंने 5 जनों को पकड़ा, लेकिन 5 से ज्यादा ही रहते थे वहां पर, लेकिन 5 पकड़ने के बाद भी उन लोगों ने एक को ही रखा है और बाकी को छोड़ दिया कि क्या किया कुछ बता ही नहीं रहे उन लोग। तो पुलिस की तरफ से आपको कोई जवाब नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला है, लेकिन पुलिस ने हाँ ढूंढने में मदद करी, पुलिस ने बहुत मेहनत करी। वो तो पुलिस वालों का काम है, पुलिस है जो अपने गवर्नमेंट जो सर्वेंट है उन लोगों का काम है ढूंढना, लेकिन उनको पब्लिक को भी जवाब देना होता है। तो वो जवाब आपको मिला है? नहीं, ऐसा तो खैर अभी तक के कुछ जवाब नहीं मिला के जैसे हम सेटिस्फाई हुए कि भाई उसने ऐसा हादसा किया, इस तरीके से किया, ऐसा अंदर लिया, कितने लोग मौजूद थे, कितने नहीं थे, किसने क्या करा, उसने कैसे प्लानिंग करी, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो वारदात जहाँ हुई वो जगह कहाँ पर है आपको पता है? हाँ जी, मुझे पता है, वो जगह घर के 4 कदम की दूरी पे ही है वो जगह। हिंदुस्तान जैसे एरिया में, हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ पब्लिक बोलती है लड़कियों को फ्रीडम दो फ्रीडम दो फ्रीडम दो, अगर ऐसे लोग मौजूद रहेंगे तो लड़की को फ्रीडम कौन देगा? अरे कोई गली के बाहर या दूर एरिया में होती तो समझना आता कि भाई हादसा हो गया, कुछ हो गया, गड्ढू लेने में। ये अच्छे खाने पकाने वाले लोग, भटियारे लोग, घर से बाहर निकल के 4 कदम की दूरी पे ऐसा हादसा होगा तो बच्चों को कहाँ रखेंगे लड़कियों को? हिंदुस्तान में लड़की रहना जुलूम है, मतलब या तो वो गलत चीज के लिए पैदा हुई है या तो गलत चीज करके उसको मार दिया जाएगा, हिंदुस्तान में बस ये दो ही चीजें है। तो आपकी जो बच्ची थी उसकी उम्र कितनी थी? 7 साल, बस 7 साल। 7 साल की उम्र थी। तो आपको कैसा पता चला कि आपको बॉडी जो थी वो कहाँ पर है, आपको किसके कैसा और कैसे पता चला? ये पुलिस वालों ने इन घर वाले लोगों को रात में बुलाया था कि आपकी बच्ची की ऐसे ऐसे आओ बॉडी मिली है, तो बॉडी इतनी मेल्ट हो चुकी थी कि लोग पहचान नहीं पा रहे थे, लोग पहचान पाए लड़की के डैडी, जो बच्ची का हुआ है उसके डैडी ने कपड़े से पहचाना। तो बॉडी ये कहाँ पर मिली थी भाई? बॉडी पुलिस वाले लोग सब बोल रहे हैं कि दाना बंदर के ब्रिज के नीचे वो फेंक के आया था। अब ये भी कन्फर्म नहीं है कि उसने पहले दिन में ही फेंक दिया कि दूसरे दिन में फेंका कि तीसरे दिन में फेंका या कभी फेंका, ये भी कन्फर्म नहीं। ये बच्ची जो थी कितने दिन लापता थी? ये बच्ची कुछ 30 तारीख को ये हादसा हुआ था, मतलब 16 या 15 दिन कुछ मिसिंग थी। तो 16 या 15 दिन में पुलिस स्टेशन में 24 घंटे बाद FIR ली जाती है, तो पुलिस स्टेशन ने मिसिंग की FIR ली थी आपसे? हाँ सर, वो तो ली थी। और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए MM टाइम न्यूज, में इमरान सैयद कैमरामैन गुड्डू शेख के साथ। जैसा कि आपने सुना इस बच्ची की माँ बाप की जुबानी, तो मैं नुज़हत परवीन तब तक के लिए आप सबसे इजाजत लेती हूँ, जल्द ही मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। MM टाइम न्यूज, हम है आपके साथ।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।